प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टोरी टाइम में सुनेंगे स्टोरी आई एम द बेस्ट। बच्चों, ये स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की। तुम सबके पास फ्रेंड्स है ना, तो ऐसे ही ये स्टोरी भी 3 फ्रेंड्स की है। तो आओ सुने क्या है स्टोरी में। इट्स अ स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। एक का नाम था पॉली, दूसरे का था पेपा, जिसे प्यार से सब पीपी बुलाते थे, एंड द नेम ऑफ द थर्ड फ्रेंड वॉज क्लॉथ। क्या नाम था फ्रेंड्स का? पॉली, पीपी और क्लॉथ। तीनों फ्रेंड्स बहुत इंटेलिजेंट थे एंड यूज टू हेल्प एवरीबॉडी, जैसे सबका सामान कैरी करना, गिफ्ट्स रैप करना, क्लीनलीनेस में सबकी हेल्प करना, ट्रैवलिंग के समय कंट्रीब्यूट करना। एवरीवन लाइक देयर फ्रेंडली बिहेवियर। दे वर यूजफुल फॉर एवरीवन इन वन वे और द अदर। वे किसी ना किसी रूप में सभी के लिए उपयोगी थे। वन डे द 3 फ्रेंड्स वर गोइंग समवेयर। व्हाइल दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, दे गॉट एंगेज्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट। बात करते करते वे आपस में ही बहस करने लगे। पॉली सेड, मैं सबकी ज्यादा हेल्प करता हूँ, इसलिए आई एम द बेस्ट। पीपी सेड, आई हेल्प पीपल मोर देन यू। मैं लोगों की तुमसे ज्यादा हेल्प करता हूँ और ब्यूटीफुल भी हूँ, इसलिए आई एम द बेस्ट। पॉली को तो बहुत गुस्सा आया। पॉली गॉट एंग्री एंड शाउटेड, आई एम द बेस्ट बिकॉज आई डोंट गेट टायर्ड इजिली। मैं जल्दी थकता भी नहीं हूँ और बहुत लंबा चलता हूँ। पीपी बोला, आई कम इन मैनी डिजाइंस, मैं बहुत सारे डिजाइन में आता हूँ। आई लुक ब्यूटिफुल सो आई एम द बेस्ट। इतने में क्लॉथ बोला, स्टॉप फाइटिंग लाइक दिस, इस तरह से झगड़ना बंद करो। लेट मी एक्सप्लेन हु इज द बेस्ट। पॉली और पीपी शांत हो जाते हैं और कहते हैं, यस दैट्स बेटर, आप तो हम दोनों के एल्डर भी हो। नाउ यू ओनली एक्सप्लेन हु इज द बेस्ट। क्लॉथ सेड, पॉली तुम बेशक जल्दी टायर्ड नहीं होते हो, लंबा चलते हो, लेकिन डू यू नो इफ यू गेट स्टक इन ड्रेन्स रिवर्स यू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। तुम अगर नदी नालों में अटक जाओ तो पानी का बहाव रोक देते हो। इफ यू गेट बरीड इन द सॉइल यू हार्म ट्रीज एंड प्लांट्स। तुम अगर सॉइल में दब जाओ तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हो। इफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एक्सीडेंटली स्वॉलो यू व्हाइल ईटिंग दे फील सफोकेटेड एंड डाई। पशु पक्षी अपना खाना खाते समय यदि तुम्हें गलती से निगल जाएं, उनका दम घुट जाता है और वो मर जाते हैं। नाउ टेल मी हाउ यू कैन बी द बेस्ट। तुम बेस्ट कैसे हो सकते हो? इतना सब सुनकर पॉली स्टार्टेड क्राइंग एंड फेल्ट बैड। पीपी हंसकर बोला, फिर तो मैं ही बेस्ट हूं। पॉली इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। नाउ क्लॉथ सेड, पीपी यू शुड नॉट लाफ एट एनीवन लाइक दिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। पीपी तुम्हें ऐसे किसी पर हंसना नहीं चाहिए, समझने की कोशिश तो करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। पीपी चुप हो गया। क्लॉथ सेड, पीपी दो यू हेल्प एवरीवन, यू आर ब्यूटिफुल, you are fashionable, but do you know how many trees are cut down to make you?
माना पीपी, तुम सबकी हेल्प करते हो, ब्यूटीफुल भी हो, फैशनेबल हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हें बनाने के लिए कितने सारे ट्रीज को कट किया जाता है? इससे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को कितना खतरा है? अगर तुम्हें बेस्ट मान भी लिया जाए तो तुम्हें बनाते बनाते सभी ट्रीज गायब हो जाएंगे। ऑल द ट्रीज विल डिसअपीयर। देन हाउ विल वी ब्रीथ? हम सांस कैसे लेंगे? पीपी को भी अब बुरा लगने लगा। ही वॉज फीलिंग सैड। क्लॉथ सेड, पॉली पीपी प्लीज डोंट बी सैड, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इसमें आप दोनों की कोई फॉल्ट नहीं है। द पीपल हु आर मेकिंग यू एंड यूजिंग यू, उन्हें सोचने की जरूरत है। दे हैव टू थिंक। नाउ यू मस्ट हैव कम टू नो हाउ मच डैमेज कैन बी कॉज्ड टू द एनवायरमेंट बाई बोथ ऑफ यू। पॉली और पीपी सिर झुकाए क्लॉथ की बात सुन रहे थे और उसे फॉलो भी कर रहे थे। नाउ क्लॉथ सेड, हैव यू एवर हर्ड ओल्ड इज गोल्ड? लेट मी एक्सप्लेन टू यू अबाउट माई सेल्फ, देन डिसाइड हु इज द बेस्ट अमंग अस। क्लॉथ, आई डोंट डैमेज नेचर। मुझे वॉश करके फिर से यूज किया जा सकता है। पीपी, तुमको वॉश करेंगे तो तुम तो गल ही जाओगे। यू विल बिकम सॉगी एंड वीक। पॉली, तुम तो सबकी राह का रोड़ा हो ही, ना तो गलोगे और कोई तुम्हें बन करेगा तो हार्मफुल गैसेस नेचर में फैला दोगे जिससे सभी सिक हो जाएंगे। पॉली पीपी एक साथ बोले, यस डियर फ्रेंड, यू आर राइट। क्लॉथ सेड, आई होप नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हु इज द बेस्ट। पॉली सेड, यस बॉस, यू आर द बेस्ट बिकॉज यू आर इको फ्रेंडली, यू आर नॉट डेंजरस फॉर नेचर। पीपी सेड, आई वॉन्ट टू टेल पीपल, सेव द वर्ल्ड, से नो टू पॉलीथीन बैग्स, पेपर बैग्स, यूज ओनली क्लॉथ बैग्स। चिल्ड्रेन, नाउ प्रॉमिस कि आप भी हमेशा क्लॉथ बैग यूज करोगे। क्यों? क्योंकि वो इको फ्रेंडली हैं, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताओगे कि हमें हमेशा क्लॉथ बैग ही यूज करना चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।